राजस्थान में नई सरकार बन चुकी है, जिसके बाद अब बीजेपी में विधायक दल के नेता को लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है। यूं तो नेता प्रतिपक्ष बनने में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम ही सबसे आगे है, लेकिन कुछ अन्य वरिष्ठ नेता भी इस पद को पाने के लिए ललायित हैं। सदन के सबसे वरिष्ठ विधायक गुलाब चंद कटारिया और 7 बार से लगातार विधायक रहे राजेंद्र सिंह राठौड़ का नाम भी इस दौड़ में आगे है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के 73 विधायकों में से 65 से 70% विधायक वसुंधरा राजे के समर्थन में है। अगर राजे पीछे हटती हैं, तो दूसरे नामों पर विचार किया जाएगा। इससे पहले भी 2008 में सत्ता गंवाने के बाद वसुंधरा ने ही नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभाली थी, लेकिन 2010 में विरोधियों के चलते वसुंधरा राजे ने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वसुंधरा की जगह किसी और नेता को प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई और 2011 में वसुंधरा राजे फिर से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर काबिज हो गई। विधानसभा को 1 साल तक कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष के रूप में घनश्याम तिवारी से काम चलाना पड़ा। अब आपको बताते हैं कि राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष की रेस में किन किन नेताओं के नाम आगे हैं। वसुंधरा राजे सबसे आगे हैं। बीजेपी ज्यादातर विधायक वसुंधरा राजे के समर्थन में है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि राजे के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। गुलाब चंद कटारिया इस बार विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायक और 8वीं बार विधायक बने। कटारिया के पास संसदीय परंपराओं का लंबा अनुभव है। राजेंद्र सिंह राठौड़ सरकार में संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। 2008 से 2013 में जब बीजेपी विपक्ष में थी, तो राठौड़ विपक्ष के सचेतक भी थे। 7वीं बार विधायक बने हैं। पार्टी में विधायकों से रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। नरपत सिंह राजवी पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं और इस बार बीजेपी की हार के बावजूद बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं, लेकिन बीजेपी के सभी विधायक नरपत सिंह के नाम पर सहमत हो जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। वासुदेव देवनानी अजमेर उत्तर से लगातार 4 बार विधायक चुने गए हैं। संघ से काफी पुराना जुड़ाव रहा है। उनके चुनावी टिकट में हमेशा संघ का दखल रहा है। माना जा रहा है संघ नेता प्रतिपक्ष या विधानसभा में विपक्ष के अन्य पदों पर देवनानी का नाम भी सबसे आगे है। बड़ा सवाल है कि क्या होगा राजस्थान बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, जिन्हें पिछली बार का बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से वसुंधरा राजे की टकराहट याद है। वो अब भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या इस बार भी नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए वसुंधरा राजे को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से टकराना पड़ेगा। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, राजस्थान तक।